भैया भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है, संविधान का सम्मान करती है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। इसलिए जो नोटिस आया है हम अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 3.5 करोड़ जनता की आवाज है और उस आवाज की अभिव्यक्ति है कि सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सरकार में कितना दमन करने की क्षमता है इसका भी हम सब लोग देखेंगे। अगर सरकार गिरफ्तारी करना चाहती है उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो जरूरत हो गई थाना आने की, बुलाया ये सर, हमारे पास नोटिस आया है। अच्छा। और उस नोटिस के तहत हम कानून के सम्मान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संविधान का सम्मान करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम न्यायालय का सम्मान करने वाले कार्यकर्ता हैं, और साथ साथ मैं कह सकता हूं इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ संघर्ष का अभी हम लोगों ने जो रास्ता तय किया है उसको भी आगे हम किस मामले में नोटिस गया था, क्यों गया था, क्या कहा, हम सबको जानते हैं 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शांति पूर्वक आंदोलन को राज्य की सरकार दमन करना चाहती है और दमन करने के प्रयास में लगातार पुलिसिया जो कानूनी का जो रुख है वो गलत ढंग से व्याख्या करते हुए यहाँ पर बुलाने का काम किया है। क्या बोलेंगे सर, सीपी सिंह जी थाना क्यों आ गया, थाना अरे 41A के तहत बुलाया है, नाम दिया है, कई केस लादे हैं, तो भाई बुलाया गया है तो कानून का पालन करते हुए हम थाना आए। गिरफ्तारी वगैरह देने आए क्या? अरे भैया गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तार होंगे। अरे भैया ऐसे भी मैं तो छात्र आंदोलन में 76 में 6 महीना जेल में रहा। क्या बोलेंगे चमरीलाल जी?